चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मनुष्य के फेफड़ों के बारे में। यानी कि मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया में पूरा का पूरा रोल इम्पॉर्टेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और हमारी श्वसन की क्रिया को पूरी तरह से अच्छे से निभाने का काम करते हैं, क्योंकि श्वसन यानी कि श्वसन ही एक जीवन का एक बेसिक आधार होती है। चलिए हम बात करते हैं कि फेफड़ों में क्या होता है। फेफड़ा जो होता है हमारे दो भागों में बंटा रहता है। जो राइट साइड में होता है उसको राइट लंग बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट लंग बोलते हैं। और ये दोनों फेफड़े एक ट्यूब से जुड़े होते हैं जिसको हम ट्रकिया बोलते हैं। ट्रकिया आगे चल के धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ जाती है और नीचे की तरफ डायफ्राम होता है जो कि दोनों फेफड़ों ने लोब के बिल्कुल यानी कि बेस पर आधार पर लगा होता है। ट्रकिया वाला पार्ट जो होता है वो हमारे दो भागों में बढ़ जाता है जिसको हम यानी कि प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। लेफ्ट साइड का जो भी हमारा लंग्स जो लोब होती है उसकी एक नोच होती है, खांच होती है जिसमें हमारा हृदय जो होता है वो स्थित होता है। आगे हम बात करते हैं कि फेफड़ों के बारे में। सबसे ऊपर यानी कि बात करें ऊपर से नीचे, सबसे पहले नेजो फेरिंग्स होती है, फिर धीरे धीरे जो वायु होती है वो एपिग्लोटिस से होते हुए ट्रेकिया में और ट्रेकिया से होते हुए विट्रो ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस और उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। धीरे धीरे वो फेफड़ों के अंदर तक चली जाती है। लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है उसमें एक छोटा होता है, दाएं साइड का हमारा बड़ा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में हृदय जो होता है वो उसकी तरफ झुका होता है। अब दोनों फेफड़ों में यानी कि जो ब्रोंकस जो होते हैं वो छोटी छोटी वायु की कूपकाएँ जो होती हैं वो दोनों फेफड़ों में बटी हुई होती हैं और चारों तरफ वो पूरे के पूरे फेफड़ों में फैली रहती हैं, जिससे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसको हम हमारे शरीर से लेते अंदर लेते हुए हमारे रक्त में मिक्स कर देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।